हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पेंटिंग मैम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ओशो जी का स्केच। आज के दिन ओशो जी का जन्म हुआ था और ये एक दार्शनिक व्यक्ति थे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक हमारी वीडियो जरूर देखिए। तो आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम ओशो जी का स्केच बनाएंगे। तो ओशो जी का स्केच बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेंसिल लेंगे और उस पेंसिल से हम सबसे पहले उनकी आईज ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में उनकी आईब्रो बनाएंगे। अब इनकी आईज के चारों ओर थोड़ा सा सेट देंगे, उसके बाद में हम इनकी दूसरी साइड की आईब्रो बनाएंगे और फिर अब हम इनकी आईज बनाएंगे। तो इस तरीके से ओशो जी की आईज बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हल्का हल्का हम डार्कनेस लाएंगे आँखों के चारों ओर, इसके बाद हम इनकी नोज ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक हमारी वीडियो जरूर देखिए। तो देखिए, इनकी नोज ड्रॉ हो गई है। अब हम इसके बाद इनकी मूंछ बनाएंगे। तो मूंछ बनाने के लिए हमने हल्का हल्का पेंसिल का सेट दिया है, इसके बाद में हमने इनके फोरहेड को ड्रॉ किया है और अब हम इसको भी हल्का सा डार्क करेंगे और फिर हम इसमें हल्का सा सेट देंगे। इसके बाद में हमने नोज़ के दोनों साइडों में हल्का सा डार्क किया है। अब हम आईब्रो की ओर थोड़ा सा डार्क करेंगे। इसके बाद में हमने इनकी दोनों तरफ से फेस को स्केच कर दिया है। इसके बाद में हम इनकी दाढ़ी बनाएंगे। तो इनकी दाढ़ी बनाने के लिए हम हल्की हल्की पेंसिल घुमा घुमा कर चलाएँगे, जिससे इनके हल्के हल्के दाढ़ी के बाल नीचे लटकते हुए दिखाई देंगे और इस तरीके से हम इनकी दाढ़ी का शेप देंगे और हल्का सा इनकी मूंछ को हम डार्क करेंगे, जिससे ये काफ़ी उभर के आएंगे और अच्छे भी दिखेंगे। इस तरीके से इनका स्केच बन के तैयार हो गया। अब हम इनके शोल्डर बनाएंगे, इसके बाद में हम इनकी कैप बनाएंगे। तो देखिए, इनका टोपा बनाने के लिए हमने सबसे पहले दो लाइनें बनाई हैं। दो लाइनों के बीच में हमने डार्क किया है, जिससे ये काफ़ी उभर कर आएगा डार्क करने से डबल सेट में। इसके बाद में हम इनके ऊपर का स्केच बनाएंगे कैप का और इस तरीके से हमारे ओशो जी का स्केच बनके तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से आप हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से इनका स्केच बन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पेन से डार्क कर देंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।